मेरी उल्फत मदीने से जो ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। बोलो मेरे आका का रोजा मदीने में है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह, मैं हूँ गाजी शाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लाहौर से मक्कातुल मुकर्रमा पैदल सफर हज का आज 35वां दिन कंडियारो से स्टार्ट हो रहा है और कल रात मैं कंडियारो पहुँच चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। और कल रात मेरा जो स्टे था वो हमारे बहुत ही प्यारे भाई मंसूर भाई और सैयद गुलाम रसूल साहब इनकी तरफ था। अल्लाह पाक इनकी मोहब्बतें, इनकी मेहमान नवाजी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अल्लाह ताला इस सफ़र को आसान फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह 35वां दिन स्टार्ट हो चुका है और सफ़र खैर आफियत के साथ जारी है। अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह पाक ने एक नए दिन का आगाज़ किया। ये पानी आप देख सकते हैं, ये सिंध के इलाकों में वो पानी है जब यहाँ पे सैलाब आया था और सैलाब की वजह से तकरीबन सारा सिंध ही डूब गया था। मैं जब से सिंध में एंटर हुआ हूँ, सॉरी सिंध के स्टार्ट में तो नहीं था, लेकिन जब से ये तकरीबन मैंने खैरपुर क्रॉस किया है उसके बाद ये पानी ही पानी मुझे नज़र आया। एक अंकल खड़े हैं, उनसे पूछते हैं अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल अंकल जी? ठीक ठीक हैं आप? ये पानी सैलाब का खड़ा हुआ है जी? सैलाब का, सैलाब का। हाँ जी। उससे पहले ये जगह मतलब सही मैदान होता था या खेत होते थे यहाँ पे? खेत होती थी। खेत होते थे? हाँ जी। हाँ जी। तो ये सैलाब के बाद पानी खड़ा हो गया यहाँ पे? पानी खड़ा। तो ये खुश्क नहीं हो रहा अभी तक? ये सारे गांव बैठे इधर से, ये तपुआ के सामने ये लोगों ने झोंपड़ियाँ लगा ली हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं लोगों ने यहाँ पे इनके घर बह गए थे, जिन लोगों ने झोंपड़ियाँ लगाई हुई हैं इनके पहले अपने घर होते थे वो बह गए सारे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आप देख सकते हैं जहाँ तक भी नज़र जा रही है वहीं दूर दूर तक पानी है। वो जो आपको लास्ट में ये आबादी नज़र आ रही है, यहाँ पे कुछ घर हैं वो थोड़ी ऊंची आबादी है, लेकिन उससे जो इधर इधर जितने खेत हैं ये सारे पानी में बह चुके हैं। अल्लाह ताला इन किसानों की मदद फरमाए, इस पानी को खुश्क अल्लाह पाक फरमाए ताकि ये लोग दोबारा से अपनी जो खेती बाड़ी है उसको जारी कर सकें, शुरू कर सकें। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों पर इस तरह की नागहानी आफात, जलजला, सैलाब और हादसात का अल्लाह मुसलमानों को इन सब से महफूज फरमा। हुजूर की तमाम उम्मत पे अल्लाह अपना ख़ास करम फरमा। वो भी हम नेशनल हाईवे पर ही सफ़र कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आज मोरो शहर में पहुँच जाएगा। तो सीफ नबी में जो दिन रात ये जपता था, जपता कहते कहने को, बोलने को, तारीफ करने को। तो सीफ नबी में जो दिन रात ये जपता था, सरकार तुम्हें जाना, सरकार तुम्हें माना, है जाना, 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 नबी में जो दिन रात ये जपता था, सरकार तुम्हें जाना, सरकार तुम्हें माना, सरकार ही जानेंगे क्या उनको जजा देंगे, सरकार ही जानेंगे क्या उनको जजा देंगे। नामों से रिसालत पढ़ी घर बार लुटा देंगे, हर आंख का तारा भी सबा नबी के भक्त, 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 सबा नबीयन के हम नारे लगाएंगे। फिर फकतुलहु कह गए गुस्ताख मिटाएंगे, ये अज़्म हमारा है दुनिया को बता देंगे, ये अज़्म हमारा है
रिसालत पढ़े घर बाल उठा देंगे, हर आंख कतारा भी जब नाम मोहम्मद है, अल्लाह को प्यारा भी जब नाम मोहम्मद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, आया आया दीन आया رسول اللہ لبے 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 یا 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 رسول اللہ لبے زندہ بہادری ممتاز حسین قادری زندہ بہادری ممتاز حسین قادری زندہ بہادری ممتاز حسین قادری इस मिशन के साथ हम वाबस्ता हैं और जिस मिशन पर हम काम कर रहे हैं और जिस मिशन पर हमें बाबा जी ने लगाया है। आज जुमे का दिन, बाबरकत दिन, और हमारी खुश नसीबी ये है कि हमारे इस इजलास में और इस मीटिंग में तारीख लबैक या रसूलल्लाह की तहसील मोरो की इस ऑफिस के अंदर हमारे बाबा जी के निस्बत याफ्ता नौजवान आज के रसूल जो हमारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए हज शरीफ के लिए प्यादल जा रहे हैं, चलने वाले हैं, और बाबा जी की तकरीर मुबारक सुनकर ऐसा रूह इश्के रसूल का रूह इनके कलब के अंदर, ये इतनी उम्र में पहले कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब बाबा जी के खिताबात अगर सुने, मेरा हुस्ने जन ये है कि जब से बाबा जी की निस्बत हासिल हो गई है उस दिन से मदीना याद आ गया है। पाकिस्तान सैयद मोहम्मद राशिद शाह, आपको इस महफिल में खुश आमदीद और मरहबा कहते हैं, और ज़िले नौशेरो फ़िरोज़ में आमद पे हम बेहद खुश हैं, आपकी आमद से शुक्रगुजार हैं।
कि आज हमारे ये इजलास चल रहा था, नहीं तो हमने आपका इस्तकबाल बाईपास करना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशनसीबी है कि बाबा जी के नस्बत याफ्ता हमारे पास और हमारी इस महफिल में तशरीफ फरमाए। एक तो बाबा जी की नस्बत और दूसरी ये है कि जिनका नारा अभी इस नौजवान ने लगाया था, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाह अल्हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ आपकी आपका सफर है। हम दुआगू है कि अल्लाह ताला आपको खैरियत से खैरियत और आफियत से और तमाम मसाइब और आलाम और तकालीफ से अमन और सलामती के साथ दरबारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खैरियत साथ पहुंचाए। और हम अर्ज करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये जो जगह जगह पे आपके इस्तकबाल हो रहे हैं, ये भी बाबा जी की निस्बत की वजह से हो रहे हैं। हमारी और तो कोई पहचान नहीं है, पहचान यही है कि हमारे बाबा जी की निस्बत याफ्ता नौजवान आ रहे हैं, मदीने शरीफ जा रहे हैं प्यादल, तो लबैक जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिनके लिए जा रहे हैं, तो वो खुद हमारे ख्याल से, हमारे कुलूस से, हमारे अजहान से, हमारे दिल के हुजूर से जानते भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी मेहरबानी है, ये उनका करम है, ये उनकी नवाजश है। ये देखो कि कितनी बड़ी करम नवाजी है कि जगह जगह हर शहर हर हर चौक पे हम मीडिया में देख रहे हैं कि हमारे मुजाहिद आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा मेरे ख्याल में तो वो तो आप ही बता सकते हैं कि किसी जगह पे कोई मेरे ख्याल में कोई तकलीफ नहीं होती। और हर जगह जब जैसे पहुंच रहे हैं तो बस एक ही नारा है, लब्बैक।